तो बात नशीली तू भी आ कर ले नशा। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो ट्रांसजेंडर सुशांत देवगीकर की है। सुशांत एक ऐसे ट्रांसजेंडर हैं जो खुद की वॉइस से फेमस हैं। सारे गामा पा और बिग बॉस सीजन 8 तक का सफर इन्होंने अपनी वॉइस की वजह से तय किया है। इनकी वॉइस लड़कियों वाली है, इसीलिए ड्रैग क्वीन परफॉर्मेंस में इन्हें रानी कोहिनूर के नाम से भी जाना जाता है। बचपन में एक गे का सीरियल देखने वाले सुशांत क्यों उस सीरियल के मेन किरदार को देखकर भाग जाया करते थे, और साथ ही ये इतने फेमस ट्रांसजेंडर कैसे बने, यही सब हम आज के वीडियो में जानेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके फैक्ट्स। सुशांत देवगीकर का जन्म 2 जुलाई 1990 को बांद्रा मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। सुशांत के पापा का नाम प्रदीप कृष्णराव देवगीकर है और मां का नाम भारती राव देवगीकर है। जब सुशांत छोटे थे तो वो अपने एक दोस्त के घर जाया करते थे। इनके दोस्त की मां जो कि एक सीरियल देखा करती थी, उस सीरियल का नाम बिल एंड ग्रेस था। उसमें जो मेन किरदार निभा रहा था वो एक गे था। उसे देखकर सुशांत अपने आप को महसूस करने लगते थे। उसे देखकर इन्हें भैंसा होने लगता था, क्योंकि वो तो सिर्फ एक सीरियल था, लेकिन रियल लाइफ में लोग ऐसे लोगों का मजाक बनाते हैं और एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। वो सीरियल तो सुशांत को अच्छा लगता था, लेकिन उसका मेन किरदार देखकर सुशांत वहां से भाग जाया करते थे। उम्र बढ़ने पर सुशांत के पापा ने एक दिन इनसे पूछा, तुम गे हो क्या? सुशांत ने मन में सोचा कि मुझे मना कर देना चाहिए, लेकिन वो अपने माँ बाप के दिए हुए संस्कार की वजह से झूठ नहीं बोल पाए और उन्होंने अपने पिता को हाँ में जवाब दिया। ये सुनकर सुशांत के पापा ने कोई ओवर रिएक्ट नहीं किया और सुशांत को सपोर्ट किया। सुशांत बहुत खुश थे कि उनके पेरेंट्स उनके साथ हैं। सुशांत के माँ पापा ने उनसे बोला कि तुम जैसे हो अच्छे हो, बस अपनी सीख पर जोर डालो और ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना है। और तब से सुशांत ने ठान लिया कि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगा और कुछ ऐसा करूंगा जिससे लोगों का नजरिया बदल जाए और हमें भी लोग इंसान की तरह देखें। सुशांत पहले वार में गाया करते थे। सुशांत की आवाज को वहां लोग बहुत पसंद करते थे और उन्हें बहुत प्यार देते थे, लेकिन बहुत से लोग इन्हें ये भी बोलते थे कि तुम एजुकेटेड होते हुए भी वार में क्यों गाते हो। इस पर सुशांत ने जवाब दिया कि किसी बड़े मंच पर भी मुझे इतनी इज्जत नहीं मिलेगी जितनी कि मुझे यहाँ वार में मिलती है। यहाँ पर कला को बहुत सराहते हैं, तो इसीलिए ये सब मुझे बहुत पसंद है। आपके लिए बेशक ये एक वार होगा, लेकिन मैं इसे मंदिर मानती हूँ। साल 2014 में इन्होंने एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। उस कॉन्टेस्ट का नाम था मिस्टर गे इंडिया 2014 और फिर इन्होंने मिस्टर गे वर्ल्ड 2014 का टाइटल भी जीता। सुशांत ने 18 साल की उम्र में अपना पहला शो किया। इन्होंने बिग बॉस में पार्टिसिपेट किया। ये वहाँ एक कंटेस्टेंट के तौर पर गई थीं और फिर उसके बाद इन्होंने ड्रैग परफॉर्मेंस किया और फिर सुशांत ने अपने ड्रैग क्वीन अवतार रानी कोहिनूर में पहली ड्रैग क्वीन बनकर भारत का नाम ऊंचा कर दिया। लेकिन इन सब के बाद सुशांत को एक बात का दुख था कि इन्हें इतना सब कुछ करने के बाद भी गालियां ही मिली। सुशांत ने फिर सिंगिंग रियलिटी शो सारे गामा पा में पार्टिसिपेट किया और वहाँ से जीत कर आई। जा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। सुशांत ने कई टेलीविजन शो भी किए और कई सारे ड्रैग परफॉर्मेंस भी किए और आज वो एक नई टैलेंटेड सिंगर के रूप में उभर कर सामने आई हैं और आज लोग इनकी आवाज को बहुत पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप आगे भी ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमसे कनेक्टेड रहें। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, जो जग ने न मानी तो मैंने भी जानी, कहा थी मैं देखो।